हुर्रियत पसंदों के इसराइल पर हमले के बाद पूरी दुनिया में हलचल। अरब ममालिक ने खुलकर फलस्तीनियों की हिमायत की। एक तरफ फलस्तीन और दूसरी तरफ इसराइल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की साबिक अहलिया और बरतानिया की मारूफ शख्सियत जमायमा गोल्ड स्मिथ किसके साथ हैं, उन्होंने ट्विटर पे खुल के बता दिया। यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि बरतानिया की गोल्ड स्मिथ फैमिली इसराइली वजीर आजम के साथ बिजनेस पार्टनर है। जमायमा गोल्ड स्मिथ ने माजी में भी मजालिम के खिलाफ मुतादिद बार आवाज उठाई, लेकिन इस बार उन्होंने इसराइल की हिमायत की, ना ही फलस्तीन की हिमायत की। तो फिर उन्होंने किसकी हिमायत की? इसराइल पर हमास के हमलों के बाद सूरत हाल काफी नाजुक मोड़ पे दाखिल हो चुकी है। सोशल मीडिया पर आने वाली वीडियोस के बाद जमायमा ने भी चुप तोड़ी और ट्वीट कर दी। लिखा कि वो आलमी कवानीन और इंसानी हकूक के साथ खड़ी हैं। सियासत कबायलियत में इंसानियत नहीं होती। फिर उन्होंने सेव द चिल्ड्रन यूके का एक ट्वीट भी शेयर किया, जिसमे लिखा कि फलस्तीन के मुसल्ह ग्रुप और इसराइली फौज के दरमियान लड़ाई में बच्चे मारे जा रहे हैं। दोनों ग्रुपों को ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों और फैमिलीज को नुकसान न पहुँचे।